भाग भागम भाग 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 ये सपनों की दुनिया है बड़ी मस्तानी है देखने लगे हम नई कहानी ये दुनिया उल्टी तमाशा हर कदम पे निराशा ये नजरिया मेरा मगर तेरी ये कहानी भाग भागम भाग भागम भाग चल तुम्हें तेरे से बाद में बात करता हूँ हाँ बाय 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 भाई तू ये करता कैसे है यार अरे भाई लड़कियों का क्या है एक जाएगी तो दूसरी आएगी वो नहीं तो कोई और तेरा सही है यार हर बार नई लड़कियाँ यार मुझे जब भी टेम्पररी लव होता है ना किसी नई लड़की से मैं बस उसे जाके बोल देता हूँ और अगर उसने हाँ कहा तो इट्स ओके अदरवाइज सर्च मोर मौके सही है यार पर मेरे साथ थोड़ा अलग है मैं तो एक ही से खुश हूँ और बहुत खुश हूँ यार तेरे को ये सब बातें बहुत बेकार लगेंगी पर प्यार हो गया यार उस लड़की से क्या बात कर रहा है दिन रात सिर्फ एक ही चीज सोचता हूँ वो खुश रहे यार उसकी आंखें यार शी इज ऑसम मैन शी इज ओके ओके लवर बॉय तूने अनुष्का के बारे में सुना क्या अरे अनुष्का शी इज डेटिंग रोहन लड़कियां बहुत हैं बहुत बहुत तो मैंने कौन सी सारी मांग ली यार एक ही तो मांगी थी वो भी ना मिली यार मैं अपनी सारी जिंदगी ये सोचता रहा कि वो आएगी वो हाँ कहेगी वो हाँ कहेगी जब मैं उसे अपने प्यार के बारे में बताऊंगा और जब बताने लगा तो पता चला उसने पहले ही किसी और को हाँ कह दी यार ये जिंदगी कैसे पलट सी जाती है मैं अपनी सारी जिंदगी ये सोचता रहा कि बस कहने की देरी है और फिर वो मेरी है यार जब वो मेरे सामने से गुजरती थी तो मेरी जिंदगी रुक सी थम सी जाती थी मगर आज तो मेरी धड़कन यार देख रहा हूँ बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हो गया तू तो मेरी एक बात मान अपने एक एग्जीबिशन लगा ले गारंटी से बोल रहा हूँ खूब पॉपुलर हो जाएगा एग्जीबिशन तू ने मैं रानी रानी अरे हाँ यार कैसी है वो कहाँ है आजकल रानी के पापा बहुत बड़े नेता हैं उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी या तो मेरी बेटी को भूल जाओ या फिर अपना आर्टिस्ट बनने का सपना फिर तुमने क्या किया
मैंने अपना सपना छोड़ दिया उसने मुझे। सॉरी यार, चल छोड़ यार इन बातों को। याद है अपने तो यार, वो दोनों यार बहुत फेमस हो गए आजकल तो। एक बंदा तो इंडिया का बेस्ट फोटोग्राफर और वो दूसरा टेक महिंद्रा का सीईओ हो गया है। भाई खूब प्रोग्रेस कर ली इन दोनों ने, बात थी इन दोनों में, दम थी। या टेल मी, आई अंडरस्टैंड बट आई वांट प्रमोशन। व्हाट से? हे लिसन, यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद सर एट 10, गो एंड फाइनलाइज योर प्रमोशन। यू आर वन स्मार्ट गर्ल। बाबूजी सही कहते हैं, कामयाबी के पीछे भागते भागते इंसान कभी अपने उसूल भूल जाता है और कभी इंसानियत को ही बेच खाता है। बाबूजी ने मुझे दुकान पे ना बिठाया होता तो मैं भी आज अपने ही दोस्तों की तरह या तो लोगों का इस्तेमाल कर रहा होता या फिर कामयाबी पाने के लिए खुद का ही सौदा कर दिया होता। ये कामयाबी बहुत ही कमीनी चीज है। यार अभी तक सो रहे हो यार, उठो यार। तुम लोग कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठो यार कब से उठा रहा हूँ। सुबह के सपने सच हो जाते हैं। लोग सपने तो बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं मगर उनको पूरा करने की राह सोचना भूल जाते हैं। फिर वो सपने उन्हें भूल जाते हैं मगर मैं उन सपनों को कभी नहीं भूलता। जब सपने टूटते हैं तो दर्द तो बहुत होता है, बहुत। और इस दर्द से निकली हर एक आवाज हमें उन सपनों की याद दिलाती है और इस दर्द से निकलने के लिए ही हम जैसे लोग ऐसी राह पकड़ लेते हैं जिस राह पे कोई वापसी नहीं है, सिर्फ एक लंबी सड़क जिस पे चलते जाना है जब तक कोई छोर ना आ जाए। लेकिन वो छोर कहीं भी हो, हर छोर पे उनको मैं ही मिलूंगा और वो छोर उनका अंत होगा। साहब जी, लगता है वो सब अपने अड्डे पे आ रहे हैं। चलो। कामयाबी का इससे आसान रास्ता नहीं हो सकता, मौत का इससे खौफनाक रास्ता नहीं हो सकता। क्या सोचा था बड़े होके बड़ा आदमी बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, इज्जत कमाऊंगा, साला एक बार इश्क भी हुआ मगर उसको तो मेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं, बोली आई डोंट लव यू। मगर मेरा क्या, आई तो डू मगर आज इस घोड़े के दम पे अपन उसको बोले कि आई लव यू तो वो क्या, अखा इंडिया की लड़की अपन को बोलेगी कि आई लव यू। मगर अपन को तो दुनिया का बादशाह बनना था और आज अपन शहंशाह है।
इंसान कभी कभी सपने कुछ ज्यादा ही देख लेता है, जिसकी वजह से वो सही गलत में फर्क करना भूल जाता है। पर क्या करें, अपना तो काम ही गलत को सही करना है। साहब जी, सुना है सब कभी आपके दोस्त थे, तभी आपको ये काम दिया गया है। हाँ, ये सब कभी मेरे दोस्त थे, पर इनको कुछ ज्यादा ही जल्दी थी ऊपर पहुंचने की, तो आज उनकी इच्छा पूरी करने जा रहा हूं। राज तो बहुत शान से कर रहे हैं, लेकिन एक दर्द इस दिल में है। जिस लड़की को मैंने चाहा, आज वो मेरी जिंदगी में ही नहीं है। ये दिल बहुत खुदगर्ज है यार, इंसान से कुछ भी करा देता है और ये इंसान कुछ भी कर देता है। जिंदगी ने इसे धोखा क्या दिया, ये तो जिंदगी को ही सबक सिखाने चल पड़े। कहते हैं लाइफ बार बार चांस नहीं देती जीने का, एक मिस्टेक और लाइफ फिनिश। राठौर सर, सुना है इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। हाँ, तुमने तो सुना है, पर मैंने तो हीरे को कोयला बनते देखा है। पर क्या करें, अपना तो काम ही साला कोयले को जलाने का है। यार, जब मैं छोटा था ना, तो सोचता था कि बड़े होके ऐसा होगा, बड़े होके वैसा होगा, मगर ना ऐसा हुआ ना वैसा, साला जो हुआ वो हुआ पैसा। साला हम भागे, वो भागे, लड़की भी भागी, मगर ये पैसा नहीं भागा। लेकिन इस पैसे को कोई पकड़ नहीं पाया यार। शोएब ने जिंदगी से इतना फ्लर्ट किया कि जिंदगी आज इससे ही फ्लर्ट कर रही है। लोगों का इस्तेमाल और शॉर्टकट्स बहुत पसंद थे इसे, तो आज इसका ही शॉर्टकट लिखने जा रहा हूं। राठौर सर, कि इन्होंने हमारा शॉर्टकट लिख दिया तो? राठौर सर, लोग तो पूरी फोर्स लेके आते हैं एनकाउंटर करने, आप तो सिर्फ मुझे ही लेके आ गए। वो तीन शोएब, शौर्य, शंकर और मैं शिकारी। मैंने सपने में एक सपना देखा और सपने में जिंदगी को इतनी करीब से देखा। ये जिंदगी है कि कराती तमाशा, ये इंसान है कि नाचता जाता। भागा भागा फिरता इंसान इसके पीछे, मगर असलियत ये कि ये नहीं तू इसके पीछे।